भारत में इस वक्त जबरदस्त बारिश का कहर जारी है। खासकर उत्तर भारत में तो पिछले दो दिनों से लगातार वर्षा ने जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में इस बारिश के चलते लोगों को भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है। दरअसल ऐसा काफी कम ही देखा गया है कि लगभग पूरे देश में दशहरे के बाद भी बारिश का प्रकोप जारी रहे। हालांकि इस साल मॉनसून सीजन के बाद भी कुछ एक इलाकों को छोड़कर भारत के अधिकतर हिस्सों में या तो बारिश जारी है या भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इस बार बारिश अक्टूबर में भी जारी है और देश के कुछ हिस्सों में यही स्थिति पिछली बार भी देखने को मिली थी। और वहीं अगर देखा जाए तो दोनों ही बार वजह समान रही, मॉनसून की देरी से निकासी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मॉनसून कई जगहों पर देर से पहुंचा, इसके चलते देश के पश्चिमी हिस्सों में मॉनसून सितंबर तक एक्टिव रहा। इसी सक्रियता का असर मॉनसून के लौटने की प्रक्रिया पर देखने को मिल रहा है। माना जाता है कि भारत में मॉनसून सामान्य तौर पर अगस्त तक पूरी तरह से छा जाता है और इसके बाद सितंबर मध्य में इसके वापस लौटने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। मॉनसून के इसी लौटने की प्रक्रिया को मॉनसून विड्रॉल कहते हैं। राजस्थान से मॉनसून के लौटने की तारीख पारंपरिक तौर पर 17 सितंबर से मानी जाती है। इस दौरान बारिश खत्म होने के साथ ही नमी में कमी दर्ज की जाती है और देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश का धीरे धीरे कम होना जारी रहता है। सामान्य तौर पर पूरे भारत में मॉनसून विड्रॉल 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाना चाहिए, यानी इस समय तक पूरे भारत में बारिश का दौर खत्म हो जाता है। मॉनसून की विदाई इस बार देरी से हो रही है। अमूमन 3 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के हरदा जिले से भी मॉनसून विदा हो जाता है, लेकिन इस बार एक सप्ताह बाद मॉनसून विदा होने की उम्मीद है। मॉनसून के देरी से जाने की वजह से इस साल उम्मीद की जा रही है कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं मावठे की बारिश और ओले की संभावना भी बढ़ गई है और दूसरी तरफ लगातार बारिश की वजह से फसलों को बेहद नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन और मक्का की फसल को देखने को मिला है। खेतों में सोयाबीन की कटी फसल में बारिश का पानी लगने से फफूंदी लग गई है। ऐसे में किसान बेहद चिंतित है कि आखिर करे तो क्या करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।